जैसे गोली छोड़ रहे हो। ये लोग सब इतने रेडी हो रहे हैं, दूसरी सवारी बैठे उससे पहले फटाफट यहाँ पे सफाई हो रही है। ये देखो फोटोशूट चल रहा है फूलों के अंदर। आपने मेरे रेडवुड स्टेट पार्क वाले फर्स्ट वीडियो में देखा हमारी छोटी सी ट्रेल। अभी मैं आपको रोरिंग कैंप रेल रोड्स थोड़ा ट्रेन और दूसरा एरिया दिखा रही हूँ इसका। यहाँ पर मैं पहले आई हुई हूँ। आपने मेरे एक और सैन फ्रांसिस्को वाले वीडियो में और स्टिंसन बीच वाले वीडियो में पारस भाई को देखा था, तो वो हमें लेकर आए थे यहाँ पर। चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, आई थिंक अभी हर ट्रेन भी खड़ी है थोड़ा उधर। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको दूर से ट्रेन दिखाई थी, अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। आई थिंक सिर्फ इंजन है कि ट्रेन है, मुझे इतना दिख रहा नहीं है। ओ, काफ़ी सारे लोग खड़े हैं उधर। आ रही है शायद ट्रेन, वो दिख रही है आपको ट्रेन। अलग टाइप है। हाँ, ट्रेन 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 देखिए उस साइड पे है, लेकिन आई थिंक मेन ट्रेन जा चुकी है जिसमें बहुत सारे लोग रुके हुए थे, या वो आने वाली है पता नहीं। बाकी यहाँ का जो टोटल व्यू है वो बहुत ही वो फार्म हाउस लुक वाला है, जिस तरीके से देखिए रेस्ट रूम्स, कुक हाउस, ट्रेन, ये रेल रोड क्रॉसिंग का साइन। ये आ गई है ट्रेन, ये देखो। ये देखिए कितने सारे लोग आ रहे हैं इसके अंदर, पूरी ओपन टाइप की ट्रेन है। और ड्राइवर हमको हेलो कर रहा था। हम लोग अभी तक इसमें नहीं बैठ पाए हैं कभी भी। रोरिंग कैंप एंड बिग ट्रीज, ये पूरा आई थिंक अंदर का व्यू दिखाता है। ये देखिए हैरी पॉटर वाला सीन याद आ रहा था मुझे। आई थिंक ये वाला इंजन उधर लग जाएगा अब इस साइड में, फिर वापस ये लोग चले जाएंगे। क्या था वो अभी, क्या देख रहे थे आप? क्या था, क्या देख रहे थे आप? अभी भी वो ट्रेन और उसका इंजन देख रहा है, इसके बाद खोया हुआ है। क्या देखा? ट्रेन ट्रेन, ट्रेन। दूसरी सवारी बैठे उससे पहले फटाफट यहाँ पे सफाई हो रही है। ये पता नहीं टीटी है क्या, वो देखिए वो सफाई कर रहा है अंदर। हर डब्बे में एक एक जना जो बाहर खड़ा था फटाफट सफाई कर रहा है। और ये आई थिंक दूसरे लोगों के जाने की लाइन लग रही है। ये लोग ने लुक भी पूरा वैसे ही दे रखा है। उसकी स्टीम फॉरेस्ट स्टीम ट्रेन बोर्डिंग हेयर, इतनी प्रची लग रही है। ये खड़ी हूँ मैं ट्रेन के आगे, और बहुत अलग अलग टाइप के ओल्ड न्यू सारे तरीके के कपल्स हैं मेरे आसपास। ये देखिए मिनी हैरी पॉटर मूवी, बच्चों को देखिए, बर्थडे है इनकी। ये पानी की टंकी, ये तो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है यार। वाह, ओल्ड स्टाइल, कितना सुंदर रेडी होकर आए हैं, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर। ये हमारा बेबी बड़ा। जैसे कि इसमें दो टाइप की ट्रेन, दो टाइप की मतलब दो रूट की ट्रेन है। एक रूट है
जो जंगल में ही घूमता है, जो रेडवुड के अंदर ही है, हाँ हाँ, और दूसरा है कि यहाँ से सीधा आपको बीच तक भी लेके जाते हैं। हाँ हाँ, अपने याद है क्रिसमस टाइम पे देखा था जब पारस भाई लेके गए थे, वो ट्रेन वहाँ पे आती है, फिर वो वहाँ से आती है, मस्त स्टीम छोड़ रहा है वो, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है देखने में, जैसे गोली छोड़ रहे हो। हाँ, बारात जैसा लग रहा है ना ये, बारात है, सब लोग बहुत ही रेडी है, मतलब ऐसे तो नहीं आते यहाँ पे लोग एकदम, देखो हाँ फोटोग्राफर्स भी हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी बहुत रेडी हो रखे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं सब लोग, ये लोग सब इतने रेडी हो रखे हैं, मैं इतनी कैजुअल लग रहा है मुझे अब, ये देखो क्या है दिव्य आपके सामने, बाय कर रहे थे आप ट्रेन को, ट्रेन को बाय कर रहे हो, बाय कर दो, जाने वाली है ट्रेन अभी, बाय। रोरिंग कैंप एंड बिग ट्रीज, वेट कर रहे हम लोग ट्रेन जाए, मैं आपको वो सीन दिखाऊं और हम बाकी के एरियाज भी एक्सप्लोर करें, आई थिंक वो चढ़ गया है, अभी जाएंगे, बाय बाय। चल गई है ये, ट्रेन जाने वाली है, टाइम लगता है इसको वार्म अप होने में, शायद बज रही है घंटी, टंग टंग टंग, बाय बाय ट्रेन डेविड, बाय बाय ट्रेन, बाय बाय। एकदम फुल है, एकदम मेरे लास्ट वाला डब्बा खाली है, मेरे को पीछे भी उसने ऐड कर दिया। मेरे पीछे ये रोरिंग कैंप का टिकट ऑफिस है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटा क्रूज वाली अगर बीच ट्रेन है, लाइक दो ट्रेन्स हैं, एक बीच ट्रेन और एक रेडवुड फॉरेस्ट टीम ट्रेन्स, तो 10 AM और 2 PM दो टाइम चलती है सेंटा क्रूज वाली ट्रेन, तो सैटरडेज एंड संडेज को भी है, या सिर्फ सैटरडे संडे को है आई थिंक, है ना, सेंटा क्रूज वाली बीच ट्रेन सिर्फ सैटरडे संडे है, और रेडवुड फॉरेस्ट टीम ट्रेन्स जो है राउंड ट्रिप टू बेयर माउंटेन है, ये डेली डिपार्चर्स हैं, आई डोंट नो जो अभी गई है वो सेंटा क्रूज बीच, हाँ स्टीम ट्रेन थी, बीच ट्रेन जो है वो नॉर्मल इंजन वाली, मतलब जो बड़ा इंजन आता है, ओके देखा होगा। और क्या इंफॉर्मेशन है इधर, सुवेनियर्स है भी, जस्ट वो टिकट काउंटर के पीछे ये जॉर्जीज कुक हाउस है, एस्टैब्लिश्ड इन 2014 ओनली, आई डोंट नो कैसा है, ये पूरा ओल्ड बेसिस पे बना हुआ है, ये इन्होंने काउंटर्स बना रखे हैं और छलनी दे रखी है, इसके अंदर गोल्ड निकालने का है पैन फॉर गोल्ड, छलनी से आप कितना क्या फाइंड कर सकते हैं, $7 पर पैन है, देखो बच्ची ढूंढ रही है। ये पूरा यहाँ का मेन्यू है इस वाले कैफे का, ओल्ड स्टाइल बना हुआ है, इनफैक्ट लोग भी ना ऐसे ही ड्रेसअप हो रखे थे जैसे मूवीज में दिखाते हैं, एकदम ओल्ड स्टाइल, ये आई थिंक हम कोई शॉप में जा रहे हैं यहाँ की, ये देखिए पूरा मतलब लुक ही ऐसा है यूरोपियन आई थिंक, कैंडीज जेम स्टोन्स जो इंडिया में सड़कों पे मिल जाते हैं, ऊपर में एक ट्रेन है, इधर बच्चों की चीज़ें आई थिंक सो ट्रेन एंड ऑल, काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है ना, जैसे कोई रेलवे क्वार्टर्स टाइप में कहीं पर, हाँ बिग ट्रीज, बुक रूम, टाउन जाने को बोल रहे थे बिच,
देखो पूरा ओल्ड पिक्चर्स, उधर वो पुराने टाइप के लैम्प्स, टेस्ट योर लव. Oh, this is a funny game. Put all classic trains. Nice shop, train ही train है यहाँ पे देखिए. ये यहाँ पर एक हॉल भी है, मीटिंग हॉल, ओपेरा हाउस टाइप. यहाँ पे वेडिंग हो रही थी और आई थिंक उसके बाद उन्होंने वो फॉरेस्ट ट्रेन राइड रखी होगी. देखिए आर फेवरेट पीपल, टेबल नंबर लिखा हुआ है कौन कैसे कैसे बैठेगा. इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये स्पॉट. और ये रहा वो हॉल जहाँ पे उनकी शादी हो रही थी. अंदर पूरा डेकोरेट हुआ है. ऑफकोर्स मैं अंदर तो नहीं जा सकती हूँ, थोड़ा सा दिखा रही हूँ वैसे. लव यू मोर का बोर्ड ऐसे करके. मेरे पीछे है ब्लैक स्मिथ की दुकान. लगता है आपको कुछ पुराने औजार टाइप्स हैं. स्मिथ के सामने है प्रिंटिंग प्रेस, ऊपर लगा हुआ भी है पुराना आई थिंक मशीन टाइप. ये देखिए जिन लोगों को इंटरेस्ट है पुरानी मशीनरी में, स्टीम प्रिंटिंग ना कुछ है यहाँ पर. सुंदर सा फूलों का बगीचा, फनी तरीके से बता रही हूँ मैं. वैगन टॉप बॉयलर है वो सामने और कोई फोटो शूट करवा रहा है उधर. ये कॉमन टाइप स्टीम बॉयलर है जो 1880s में यूज होता था. ये देखो फोटो शूट चल रहा है फूलों के अंदर. थोड़ा सा आगे आकर ना यहाँ पे ये थोड़ा सा पानी वाला एरिया है और थोड़ी सी डार्क रोज भी है. हम लोग रोरिंग कैंप में पीछे के रास्ते से आ गए थे, मतलब इसका मेन एंट्रेंस इधर से भी है, पार्किंग लॉट है इधर और इधर से मेन एंट्रेंस है. तो इधर मैं पहले भी आई हुई हूँ और आज हम लोग पीछे लाइक ट्रेल के लिए आए थे, लेकिन दोनों कनेक्टेड है, आप कहीं से भी आ सकते हैं. ये देखिए यहाँ पे कटिंग चल रही है. एक्चुअली मेन एंट्रेंस अंदर से. वेलकम टू 1880 एंड रोरिंग कैंप. तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने पार्किंग एरिया में और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. हमने कोशिश करी है, मेरी टोपी थोड़ी इधर उधर हो गई है, हमने कोशिश करी है कि आपको यूनिक यूनिक चीज़ें दिखाएं, ट्रेन, स्टीम इंजन एंड और भी जो भी अच्छी अच्छी पुरानी चीज़ें थी. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.